बीट जस्ट लॉन्च हुआ, मैं यहाँ पे आई और गाना ऑन लाइव किया यूट्यूब पे अभी जस्ट। सब लोग मुझे बस यही बोल रहे हैं कि गाना बहुत ही अलग लग रहा है और ये गाना बहुत रिलेट कर रहे हैं लोग अपने आप पे, और ये अपना एक फैट एंथम बना रहे हैं इसको, और सब बोल रहे हैं पतली हो जा पतली हो जा, बट उनसे नहीं हो पाता क्योंकि सब बोलते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक कि अब तो पतली हो जा, बट फिर हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहना पसंद है और ये उसी पे गाना है, तो फीडबैक तो मुझे बहुत अच्छे मिल रहे हैं और सब रिलेट कर पा रहे हैं सॉन्ग से। दोस्तों से भी बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक्स मुझे आ रहे हैं, उन्हें भी नहीं लगा था कि मैं गा भी सकती हूँ, तो बोलते तो गा भी लेती है, और मेरे जो मतलब मेरे भी जो चबी चबी फैट फैट फ्रेंड्स हैं उनको भी सॉन्ग बहुत पसंद आ रहा है, और वो बोल रहे तूने हमारे लिए लिखा है ना ये सॉन्ग, तो हाँ बस इसी पे ये सॉन्ग बनाया गया है क्योंकि लोग बॉडी शेमिंग बहुत करते हैं, जैसे रास्ते पे ए मोटी, या तो बस यही है कि बिंदास मोटी बोल दे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे अब शॉप में भी जाते हो और किसी के लिए कपड़े लेने होते हैं तो शॉपकीपर बोलता है कि क्या वो चबी है हेल्दी है, वो मोटी बोलने से डरते हैं, तो डर मत कह दे तू बिंदास मोटी बोल दे तू, तो इसी बॉडी शेमिंग पे सॉन्ग बनाया गया ताकि हमें फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मैंने बहुत टाइम बाद यूट्यूब पे अपना खुद का सॉन्ग, पहला सॉन्ग है मेरा ये और मैं फ़र्स्ट टाइम गा भी रही हूँ इसमें, तो आप प्लीज़ इसे बहुत सारा प्यार दीजिए और इसे बहुत 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 व्यूज़ और लाइक्स दीजिए और इस गाने को बहुत पसंद करिए। ऐसा तो बहुत हुआ है मेरे साथ, मतलब मेरे फ्रेंड्स तो बोलते ही रहते हैं उनका फ़र्क नहीं पड़ता, बट इंस्टाग्राम पे भी लोग बहुत कमेंट्स में भी अजीब अजीब कमेंट्स करते रहते हैं और रास्ते पे कभी कभार कोई कुछ बोल देता है, तो इसीलिए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं और हम वैसे ही रहेंगे। आपका जो कैरेक्टर था गंगूबाई आज भी लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, तो हमें क्या आगे जाके गंगूबाई देखने मिलेंगी वापस कपिल शर्मा के शो में? गंगूबाई का तो अभी पता नहीं, बट गंगूबाई भी देखते ज़रूर आएगी, मैंने गंगूबाई का टैटू भी बनाया है अपने हाथ पे, तो अभी तो पतली हो जा पाई आप मुझे गंगूबाई, बस आप सब लोगों को यही कहना चाहती है कि अब जैसे हो ना वैसे रहो, दुनिया गई भाड़ में आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और है ना सलोनी का नया सॉन्ग आया पतली हो जा, उसको बहुत 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 प्यार दो, मैं भी बहुत देगी। थैंक यू थैंक यू। जैसे आपकी मर्जी। ओके कांग्रेचुलेशन आप लोगों को, आपका सॉन्ग लाइव हो चुका है और टीजर भी काफी पसंद किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हमारा सॉन्ग लॉन्ग हो चुका है पतली हो जा यूट्यूब पे धुनकी बीट्स पे, और इसमें आशिका और भावेश ने मेरे लिए गेस्ट अपीयरेंस दिया है, तो मैं उनको सबसे पहले थैंक यू कहना चाहती हूँ कि मेरे लिए वीडियो में काम किया। और आपको क्या कहना है? मैं इसे थैंक यू बोलना चाहूंगी कि इसने मुझे गाने में लिया, आई एम ब्लेस्ड। सेम हियर, फाइनली कोई गाने में आ रहा हूँ मैं, और सलोनी की मेहरबानी के सलोनी ने लिया है और बहुत अच्छा सॉन्ग है, सो इट्स लाइव नाउ, यू गाइस गुड।
go and check it out right now on the check beats. It out. हाँ जी, हमने बहुत मज़े किए सुबह 6 बजे बीच पे, बहुत ज़्यादा फन किया हमने. क्या बताऊँ मैं अभी, हम लोग तो टेंट भी बना रहे थे वहाँ पे कि हम चिल मारेंगे, वो टेंट खुल नहीं रहा था लेकिन हाँ बट हमने बहुत इन्जॉय किया, काफ़ी मज़ा आया हमें. सो यस इट वॉज फन. एक्चुअली वहाँ पे वो सुबह सुबह बीच पे सब जॉगिंग पे आते हैं, सब लोग होते हैं, तो बहुत सारे लोग थे. वैसे तो हमें नहीं होना चाहिए बट हम लोग काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे थे क्योंकि हम सुबह सुबह 6:30-7 बजे हम बीच पे ऐसा नींद से उठ के आ रखे थे कि हाँ चलो शूट कर रहे हैं हम लोग, तो लोग आते जाते हमको देख रहे हैं कि ये सुबह सुबह क्या हो रहा है, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड सा था. मजा बिकॉज दैट वाज द फन. नहीं, जब सॉन्ग पता चला कि सलोनी गा रही है एंड सलोनी का फर्स्ट सॉन्ग है, सो आई वाज लाइक व्हाई नॉट, आई एम देयर विद सलोनी. जो भी है सॉन्ग तो ऑफ कोर्स हिट है ही, सो दैट्स नॉट द ऑप्शन. मुझे बस मम्मी ने फ़ोन किया कि सलोनी का एक म्यूजिक वीडियो है तो उसके लिए हमें शूट पर जाना है, उसने ओके बस सिंपल. चलो अच्छा है इसी बहाने, वैसे लोगों को मैसेज तो मिलना है नहीं, मैसेज मिल के भी कुछ करेंगे नहीं लोग, बट स्टिल हम गाना देके और उसे फैलाएंगे, ट्राई कर रहे हैं कि कुछ तो असर हो. तो या ओके, जैसे कि आपने कहा कि ऐसा कभी ऐसा किसी ने कभी गलत बोल दिया रहेगा तो काफी आप दुखी भी हो गए, तो ऐसा कोई है हां इसने मेरे को गलत बोल दिया ऐसा कभी ज्यादा दिल को लग गई, मतलब ऐसा हुआ है कभी? इग्नोर करती हूँ मैं याद भी नहीं रखती एक्चुअली, मुझे भूलने की थोड़ी सी बीमारी है, तो ऐसी चीज़ें आती है तो मैं और उसी वक्त निकाल देती हूँ. मैंने पढ़ा ओ अच्छा कुछ नया नहीं है वैसे, सो एक कान से सुनती है दूसरे कान से निकाल देती है सुनने के लिए. यस ओके, आप कुछ बताना चाहेंगे कि तुमने सॉन्ग टीजर कल आया है तो काफ़ी तारीफ हो रही है आप सॉन्ग को लेके जिस तरह से आपका है, क्या है मतलब आगे जाके कुछ क्या करने वाली है आशिका? मेरी 3 महीने से एक म्यूज़िक वीडियो रुकी थी मेरे पैर के वजह से, हाँ तो वो दिसंबर में आएगा अभी क्योंकि थोड़ा बहुत रिकवर हो चुका है, सो हाँ अभी दिसंबर में एक म्यूज़िक वीडियो आएगा, शूट भी दिसंबर में होगा और दिसंबर में आ ही जाएगा. लेट्स गो पार्टी. हम तो ऐसे ही, मैं मुझे लगा ही नहीं कि मैं इनके साथ शूट कर रही हूँ, हम जैसे नॉर्मली मस्ती करते हैं हम बस वही कर रहे थे, हम एक्चुअली फनी कर रहे थे और वो कैप्चर हो रहा था कि जो करना है करो तुम जैसे वो वैसे ही करो. तो ये आपकी मम्मी ने लिखा है गाना थोड़ा, मेरी मम्मी ने ये 1.5 साल पहले लिखा था, तो इस साल हमने सोचा कि हम इसको कुछ करते हैं क्योंकि ये एक्चुअली स्ट्रॉन्ग मैसेज है, तो वो गाना बन चुका था, वो गाना पिच कर रहे थे तो किसी को इतना अलग टॉपिक वाला सॉन्ग कोई नहीं ले रहा था, तो हम मीत ब्रोस से हमने कांटेक्ट किया, तो उनके धुन की बीच चैनल पे वो नया कंटेंट बहुत प्रमोट करते हैं, सो दे टुक माय सॉन्ग, सो थैंक यू सो मच मीत ब्रोस एंड धुन की बीच फॉर सपोर्टिंग पतली हो जा. ओके, एक साथ आप एक गाना गा दीजिए जिसके आपने गाया भी है गाना, तो गा दीजिए द कोरस, स्टार्ट कर कोरस देंगे डर मत कह दे तू बिंदास. ओके 1 2 3 डर मत कह दे तू बिंदास मोटी बोल दे तू, डर मत कह दे तू बिंदास मोटी बोल दे तू, पतली हो जा 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 पतली हो जा. आहा आहा आहा, भावेश आपसे जानना चाहेंगे, वैसे तो बोलते दो लड़कियों के बीच में शूट करना बहुत ही डिफिकल्ट है, तो आपके लिए दोनों के साथ में शूट करना कितना डिफिकल्ट रहा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि दो लड़कियों के बीच में शूट करना डिफिकल्ट है, जैसा आप देख रहे हैं दोनों मुझे घूर के देख रहे हैं, अगर मैंने कुछ गलत बताया तो मेरे को मार देंगे तो मैं कुछ गलत बोलूंगा नहीं. बहुत मज़ा आता है, हम लोग का ग्रुप बहुत अच्छा है, हम लोग की आपस में बॉन्ड बहुत अच्छी है, तो बस वो वीडियो में आपको शायद बॉन्ड दिखी होगी क्योंकि हम लोग रियल लाइफ में भी सब ऐसे ही हैं. तो बहुत ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि मैं पहली बार
पूरा माइक प्रॉपर स्टूडियो में जाके एक सॉन्ग रिकॉर्ड करी थी। मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि कैसे करते तो, बट मुझे बहुत मज़ा भी बहुत आया क्योंकि बहुत अलग एक्सपीरियंस था और मैं वापस एक्सपीरियंस करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। देखिए सलोनी ने जैसा भी गाया आप इस पे केस नहीं कर सकते क्योंकि इसने इसका रिलीज ही रखा है कोर्ट में। क्या नाम है इसका कोर्ट का? कायरो। कायरो कोर्ट। कायरो रहे, जब गाना सुना तो कायरो रहे हो, कायरो कोर्ट। तो सॉन्ग की बात किया जाए, आप बॉडी शेमिंग जाती है लेकिन इन्होंने काफी सबको मुंह तोड़ जवाब दिया है, आप क्या कहना चाहेंगे? पतली हो जाए। देखिए इस लड़की में और शरद पवार में ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों ने मुँह तोड़ जवाब दिया है, अच्छी बात है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की है, पूरे देश की भलाई की बात की है दोनों ने। इनका भी कहना है कि पतली हो जा, पतली हो जा इन द सेंस कि अपने बॉडी का ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ताकि आप निरोगी रह सके और अपने काम में अपना ध्यान दे सके और साथ साथ में इंजॉय कर सके। यही सबसे पहले तो मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और इनके स्टैंड अप, जब मैं कॉमेडी करती थी मैं स्टैंड अप देखती थी तो मैं इनका बहुत देखती थी, तो मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि कॉमेडी से कोई आया है यहाँ पे और मेरे सॉन्ग को भी सपोर्ट करे और इनको अच्छा लगा, तो थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के। सलोनी देखा जाए तो ये आज बड़ी खुशी की बात है कि मैं बाल कलाकार और ये बाल कलाकार एक साथ में जुड़े हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं तुम्हें और तुम्हारी कॉमेडी टाइमिंग के हम सब तो फैन है ही, गाना भी तुमने इतना बढ़िया गाया है और इतना एंटरटेनिंग गाया है कि मुझे लगता है ये गाना यूट्यूब पर सारे रिकॉर्ड क्या है सारे ट्यूब तोड़ देगा, यूट्यूब को तोड़ फोड़ के कुछ नया कुछ बनाना पड़ेगा, यूट्यूब भी मेरे ख्याल से पतला हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बस अभी तुम एंजॉय करती मुझे बहुत अच्छा लगा और स्पेशली बिकॉज इट्स अबाउट हाउ यू फील कॉन्फिडेंट इन योर ओन स्किन और कैसे हम इंडिया में भी इन सब चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं और फनी वे में ही सबको बता सकते हैं दैट इज इट्स ओके टू बी हाउ यू आर एंड यू शुड बी हैप्पी एंड आई लव फूड पर्सनली, मुझे खाना बहुत पसंद है, सलोनी को बहुत पसंद है और हम लोग जब भी जिम योगा कुछ भी नया ट्राई करते हैं उसके बाद हम लोग मैकडोनल्ड्स ज़रूर जाते हैं, सो इट्स वेरी क्यूट एंड आई लाइक कि पूरे म्यूजिक वीडियो में इट्स ऑल अबाउट बींग कॉन्फिडेंट इन योर ओन स्किन और उसमें दिखाया भी है कि हाउ शी ट्राइज डाइटिंग बट नहीं हो पाता, बट इट्स नॉट समथिंग नेगेटिव, इफ शी वॉन्ट्स शी कैन एक्चुअली डू इट, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर प्रमोटिंग द सोशल मीडिया प्रेशर दैट वी गेट ऑन डेली बेसिस टू लुक परफेक्ट लाइक अदर पीपल डू एंड दैट इज नॉट समथिंग इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड यू शुड बी प्राउड जस्ट द वे यू आर। यस कि बहुत एक्चुअली नॉट जस्ट गर्ल्स इन स्कूल्स बॉयज गेट बुलीड बिकॉज द थिन द फैट और दे हैव अ गुड बॉडी, मतलब ये हर चीज़ में होता है, नोबडी कैन बी परफेक्ट, नॉट गर्ल्स नॉट बॉयज एनी जेंडर, सो इट मेक्स मी हैप्पी दैट देर इज़ अ सॉन्ग स्पेशली दैट वी आर प्रमोटिंग फ्यू थिंग्स लाइक दीज इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सोशल कॉज डिप्रेशन एन्जाइटी बुलिंग को इंडिया में भी बढ़ाएँ, सिर्फ फॉरेन कंट्रीज़ में ये फेमस है और इसके बारे में होता है, टचवुड इंडिया में उतना नहीं होता और बहुत अच्छी चीज़ है ये कि हमारे इंडिया में एक खासियत है कि हम लोगों को बॉडी शेम उतना नहीं करते, बट आजकल सभी टीनेजर्स में बहुत प्रेशर आ गया है एंड द वर्ल्ड वी आर ट्राइंग टू शो इज सो परफेक्ट विच इट्स नॉट सपोज टू बी, एवरीबडी हैज़ अ फ्लॉज, आई हैव माई ओन फ्लॉज, सलोनी हैज़ अर ओन फ्लॉज, सो इट्स वेरी गुड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्लॉज यू हैव। सिंगर क्या, मेरी रैपर है वो, आई एम सो प्राउड ऑफ हर, और मैंने तो जिस दिन गाना सुना था ना उस दिन हम लोग पार्टी करने बाहर जा रहे थे हम सारे फ्रेंड्स
और हम लोग ने ऐसे ही पूरा मूड बनाया था। मैंने बोला तूने गाना गाया ना, सुना जरा। कहते हैं ठीक है अभी तो कट नहीं हुआ है, हमने बस ऐसे ही बनाया। मैंने बोला चल तू मुझे सुना। एंड द सेकेंड मैंने वो गाना सुना, आई वाज लाइक ओके डूड दिस इज क्रेजी। एंड स्पेशली वुमेन अप्रिशिएटिंग वुमेन इज द बेस्ट थिंग। सलोनी एंड आई आर द क्लोजेस्ट पीपल एंड वी लव अप्रिशिएटिंग ईच अदर। और कुछ गलत भी होता है तो मैं बता देती हूँ, कुछ अच्छा नहीं लगा हम ये भी बोल देते हैं, इसमें कोई भी वो जेलेसी वाला फैक्टर नहीं है। सो इट्स वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ हर। मेरी वो रैपर है, वो प्राइवेट रैपर होते हैं ना, उसको पैसे देकर बुलाना नहीं पड़ेगा मुझे। सो मुझे पता है मेरे बर्थडे पे गाना कौन गाने वाला है। ये क्या आप लोग ने इतना प्यार दिया है, और सबसे बड़ा सरप्राइज है कि सचिन माने माई डैड इज़ बैक इन द शो। सो बहुत सारा ड्रामा होने वाला है, कीप लविंग द शो। अभी मेरी नाइट शिफ्ट है, मैं उसी के लिए जा रही हूँ। बट थैंक यू सो मच सलोनी को इतना प्यार देने के लिए, हमें इतना अप्रिशिएट करने के लिए। और जितने लोग भी इस गाने को फैलाएंगे और अप्रिशिएट करेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि ये लोगों को बहुत तरीक़ों में हेल्प कर सकते हैं। और एक इंसान के लिए गाना गा के शूट करके डाल के सबको सुनाने में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लगता है। इट्स बहुत बहुत बड़ी बात है ये। मैं कभी अपने फ्लॉज लोगों के सामने नहीं बोल पाऊँगी और कोई और भी नहीं बोल पाएगा। तो बहुत अच्छा है कि सलोनी ने उतने कॉन्फिडेंस के साथ बोला है और सबको दिखाया है। एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी। थैंक यू। मेरे दिमाग में तो सबसे पहले यही आता है कॉन्फिडेंस, कि भले ही उसको कितने भी लोग ये बोले कि अपना वेट लूज़ कर या इतना मत खा, बट सलोनी जो है वो अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करेगी और सबको अपने क्यूटनेस और अपने चार्म से अपना बना लेगी। और क्या कहते हैं मटपतली हो जैसे ये भी आता है कि लोग मजाक बनाते हैं, बुली करते हैं, तो उससे भी डिप्रेस नहीं होना, खुश रहना और कॉन्फिडेंट रहना। मैंने सुना गाना, मैंने देखा और सलोनी बहुत क्यूट लग रही है और काफ़ी कैची सॉन्ग। सबसे अच्छी बात उन्होंने गाया भी इतना अच्छा है, बहुत अच्छा गाया। कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है और बहुत फन और फनी एंटरटेनिंग है, और सबसे बेस्ट बात बहुत यूनिक है। काफ़ी मतलब इट्स नॉट योर क्लीशे यू नो रोमांटिक जैसे म्यूजिक वीडियोज बनते हैं आजकल, तो काफ़ी इंस्पायर।
इंस्पायरिंग है ये वीडियो और ऑब्वियसली आशिका और भावेश की गेस्ट अपीयरेंस ने इसको और बेटर बना दिया है. ग्रेट वर्क सलोनी. बॉडी शेमिंग मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. वैसा मेरी मॉम ने मुझे हमेशा सिखाया है, आप लंबे हो, पतले हो, छोटे हो, कैसे भी हो, लोग आपको कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, बट हमें हमारा सेल्फ एस्टीम और अपना कॉन्फिडेंस एक अलग वे में मेंटेन करना चाहिए. सो बस वही है. और हमें हमेशा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, मतलब वही लोगों का काम है कहना तो वो कहते रहेंगे. पता है मैं इतना लेट आई, सारी फ्रेंड्स चली जाएंगी मेरी, सो जस्ट क्विकली बाबू इट वोंट शो. किसका? सलोनी. फैक्टर जो उसने किया है, क्योंकि हम यूजुअली एक्सपेक्ट नहीं करते कि जिसका डेब्यू है वो गाना तो गा रहा है और उसमें रैप भी कर रहा है, और वो इतनी अच्छी एक्टर है, इतनी अच्छी कॉमेडियन है, इतना हंसाती है लोगों को, और उसका ये नया रूप लोगों को देखने मिल रहा है. सो आई होप कि वो बहुत सक्सेसफुल हो इसमें भी जितना कि वो अपनी दूसरी फील्ड्स में है. सो आई जस्ट लाइक टू विश हर ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई लव द सॉन्ग एंड द कॉन्सेप्ट एंड द थॉट बिहाइंड द सॉन्ग. Makes me very very happy, and you know this is such a mature thinking or as a opinion ki aap apna pehla gana nikal rahe ho aur usme hi itna strong message bhi aap spread karna cha rahe ho, and of course she is very confident, and I think everybody should be apni apne body mein apne skin mein, and I am very happy that pehle hi song mein usne ye message logo tak spread karne ka try kiya hai, and I hope logo ko ye pasand aayega aur log isko support karenge. मैंने अभी तक तो कुछ अभी तक कि मैंने सॉन्ग देखा तो नहीं है अभी, बट अभी जब मैं देखूंगा तो मुझे इतना तो भरोसा है कि सलोनी दी ने बहुत अच्छा गाया होगा. सो बिकॉज हम लोगों ने पहले भी सुना है सलोनी का, पहले भी गाना हमने सुना है कि वो अच्छा गाना गाती है. हम लोग जब आते हैं तो कुछ भी खेलते हैं डेर वेर में, तो हम लोगों ने सुना है जैसे वो गाती है. सो उसके हिसाब से जैसे मुझे लगता है कि, और टाइटल भी जो है पतली हो जा, सो बहुत मोटिवेटिव होगा वो सॉन्ग, तो लगता है बहुत अच्छा होगा और होगा भी ज़रूर अच्छा. कॉमेंट्स बट आई रीड देम वेरी रेयरली व्हेन आई फील लाइक. और क्या होता है ना, अब जो इंस्टा का फीचर है यू गेट टू सी टॉप कॉमेंट्स, तो जो टॉप कॉमेंट्स में जिनको सबसे ज़्यादा लाइक मिलते हैं, और लाइक किसको मिलते हैं, अच्छे कॉमेंट्स को मिलते हैं, तो जो बुरे कॉमेंट्स होते हैं वो नीचे होते हैं, जिन पर मेरी नज़र जाती नहीं है. सो आई डोंट हैव टू डील विद दैट. और टचवुड मुझे इतने कोई ऐसे
कंट्रोल इतना होती नहीं हूँ मैं. टच वुड, थैंक यू गाइस, आई लव यू ऑल सो मच. तो इसीलिए मुझे ज़्यादा तो ऐसी कोई चीज़ से गुजरना नहीं पड़ता है. और मैं खुद भी ध्यान रखती हूँ कि मेरे जो फैंस देखना चाहते हैं, मुझे जिस तरह देखना चाहते हैं, मैं उससे रिलेटेड चीज़ें पोस्ट करूँ जो उनको पसंद आए, ना कि कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स जाके पोस्ट कर दूँ जिससे उनको कुछ ऐसा लिखना पड़े या हेटर्स को और ज़्यादा कुछ ऐसा मिल जाए लिखने के लिए. सो खुद भी ध्यान देना पड़ता है. मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो टाइटल वो समथिंग वेरी ह्यूज फॉर मी, इंटरनेशनल स्टाइल आइकन. और अभी तक के मैं ऐसी कोई कैटेगरी में नॉमिनेट नहीं हुई थी स्टाइल वाली कैटेगरी में. हमेशा से एक्टिंग के लिए या फिर यू नो सोशल मीडिया से रिलेटेड, यू नो बीइंग अ सेंसेशन और द फेस ऑफ इंडिया, बट ऐसी कैटेगरी में मैं पहली बार नॉमिनेट हुई थी. एंड टू विन दिस अवार्ड ऑल्सो, इट मीन्स अ लॉट एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल. एंड ऑफकोर्स इट फील्स रियली नाइस, यू नो जब कोई इतना अप्रिशिएट करता है इस लेवल पर जाकर हर चीज़ को, एक्टिंग को और हर फील्ड में, अब स्टाइलिंग में भी. सो ऑफकोर्स इट डिड मोटिवेट मी कि ओके नाउ आई स्टाइल इवन बेटर एंड आई वोंट डू दोज 11th आर वाले टच अप्स इन माई आउटफिट्स. इनफैक्ट जो गाउन में उस दिन भी पहन के गई थी वो मेरा 11th आर वाला था, मम्मा ने फटाक से निकाला क्योंकि जो पहनना था वो कुछ अजीब ही था. सो या या इट्स अबाउट टू हिट 50 मिलियन. हाँ जी, सॉन्ग्स आने वाले हैं जिनका मैंने अपडेट अभी तक के डाला नहीं है, बट मैं जैसे ही डालूंगी आप लोग को तो पता चल ही जाएगा. आपको हर चीज़ पता चली जाती है. सो या खुद को कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, मैं अपने फैंस को ही थैंक करना चाहूँगी बिकॉज जो कुछ भी है उनके ही वजह से, उनके वजह से ही व्यूज़ आ रहे हैं, उनके वजह से ही सपोर्ट मिल रहा है, उनके वजह से ही प्यार मिल रहा है, उनके वजह से ही हम हैं. तो इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन है कि हम उनको एक चीज़ रेडी करके देते हैं और बाकी तो सब उन पे छोड़ दिया जाता है, ऊपर वाले पे कि प्लीज़ इसको अच्छे से चल जाए, बस ये प्रे करते हैं और बाकी वो चल जाता है. तो या द क्रेडिट गोज़ टू देम ऑफ कोर्स. तो मैंने ये पहले भी कहा है, मुझे जब भी इंटरव्यू ने पूछा है कि सबसे मेरी फेवरेट टेलीविजन एक्ट्रेस कौन है, सो आई ऑलवेज सेड इट्स जेनिफर विंगेट एंड श्रद्धा आर्या बिकॉज आई लव देयर एक्टिंग. एंड बेहद वन को मैंने फॉलो किया था क्योंकि मुझे उनका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत फेयर्स और बहुत ही अलग लगा था. तो हाँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. कैमियो करूँ आप लोग? बाप रे, मुझे अच्छा नहीं लगता बोलते हुए कि आई नो पीपल यू नो माई फैन मिस करते हैं रोज़ देखना बिकॉज उनको आदत थी रोज़ रोज़ देखने की, आधा घंटा तो आई जाती थी मैं टीवी पर और अब एक साल से नहीं देख पा रहे हैं. बट आई जस्ट से कि थोड़ा सा पेशेंस रखे और अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है लेकिन बाकी चीज़ों में मैं बहुत ध्यान दे रही हूँ तो इस वजह से नई नई चीज़ें करने की सोच रही हूँ. आई होप आपको पसंद आए और भी जितने अपडेट्स हैं मैं देती रहूँगी. सो आई विल ट्राई एंड मेक यू गाइज हैप्पी एंड प्राउड. सो या थैंक यू. अरे यार, मेरे को ना सच्ची बोलूँ भूख लग रही है.
surprised because I know that Saloni is an amazing singer and bahut times she was planning to do something. I'm really happy that wo collaboration Meet Bros ke sath hua. So congratulations to Meet Bros and congratulations to Saloni. You are lovely just the way you are and you always make everybody smile. Itna hasati hai, bahut funny hai. And thank you for always being my friend. She's really close to me and bahut meri khaas hai. So I'm really happy for her. काफ़ी अच्छा मैसेज भी लेके आए हैं. मतलब फर्स्ट टाइम इंडिया में किसी ने बॉडी शेमिंग के ऊपर कोई सॉन्ग बनाया है. राइट. तो विद सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के लिए? आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट जिसने भी यू नो ये थॉट आई गेस आंटी ने लिखा है. सो आई एम रियली रियली हैप्पी कि ये थॉट बाहर आया एंड द वे शी एक्सप्रेस्ड इट विद दिस सॉन्ग इज समथिंग एल्स ओनली. और इतने डिफरेंट वे में जो इसने एक्सप्रेस किया. और अभी मैं बस इतना चाहती हूँ कि सब लोग जाके जितना हो सके शेयर करें एंड इट रीचेज एज मेनी पीपल ताकि ये जो बॉडी शेमिंग का कॉन्सेप्ट है जो ये सब यू नो लेटिंग पीपल डाउन एंड फीलिंग यू नो अनकम्फर्टेबल इन देयर ओन बॉडी ये ख़त्म हो. सो कंग्रेचुलेशन सलोनी अगर तुम थोड़ी भी लड़कियों को इतना इंस्पायर कर पाए. अच्छा आपने पर्सनली कभी ऐसा फेस किया है बॉडी शेमिंग को लेकर सोशल मीडिया पर? I didn't face body shaming का but I always कुछ ना कुछ fun मतलब होता ही रहता है कुछ ना कुछ तो it is always there but then it's just that कि you see it you shouldn't feel it. I would say आप ignore करके you just look another way and just go move on with your life. And मुझे acne के लिए you know हुआ था because I'm a teenager obviously I'm 18 now and मुझे I used to get एक्ने आउटब्रेक्स एंड स्टफ लाइक दैट. सो कहीं ना कहीं एक फ़ोटो था जहाँ पे किसी ने लिखा कि अरे अपनी था इस गॉड सच ये वो बैड स्किन एंड ऑल. लाइक ब्रो कम ऑन आई एम अ टीनेजर एंड दैट्स ऑल राइट टू हैव एक्ने एंड यू वर्क सो मच. आपको नींद नहीं मिलती आपको खाना नहीं मिलता है कभी कभी. यू आर एन एक्टर यू स्टडी सो दिस इज़ वेरी नॉर्मल. सो आई वुड जस्ट से कि किसी को भी अगर ऐसा कोई फेस हो रहा है प्रॉब्लम सो जस्ट लेट इट गो एंड जस्ट बी हैप्पी एंड जस्ट लव योर सेल्फ. भावेश सुपर सुपर एनर्जेटिक पैकेट धमाका है फुल ऑन. आशिका इज़ अ स्वीट हार्ट. उसके एक्सप्रेशन मुझे बहुत पसंद है. सो आई एम रियली हैप्पी कि ये लोग कोलैबोरेट कर पाए इस गाने को लेके एंड कोलैबोरेशन हमेशा अच्छी होती है. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट दे गॉट बी अ यू नो दे केम इन दिस सॉन्ग एंड मेड इट इवन मोर स्पेशल. So congratulations to all three of them and congratulations to the complete team of Patli Ho Ja Patli Ho Ja. Thank you.